हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि मैंने अपने चैनल पर सीईटी ग्रुप डी की तैयारी करवाना स्टार्ट किया हुआ है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए क्लासेस अपलोड कर रही हूँ डेली। आज हमारी रीजनिंग की फोर्थ क्लास है। अगर आप भी चाहते हैं सीईटी ग्रुप डी की तैयारी करना तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहे। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। हमारे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग मींस कि कुछ कोड करना, जैसे कुछ वर्ड्स दिए होंगे उसका कोड दिया होगा, आपको कुछ आंसर पूछा होगा कोई कोड देकर कि इसका कोड बताइए, तो आपको आंसर बताना होगा। तो इसमें थ्री टाइप्स की कोडिंग डिकोडिंग होती है। टाइप वन, कोडिंग बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। आपको मैंने लेटर सीरीज़ में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की नंबर सीरीज़ याद करवाई थी। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी होगी तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट हमारी टाइप होती है कोडिंग फॉर द चेंजेस ऑफ द नेम्स। एंड थर्ड टाइप हमारी होती है कोडिंग ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको वन बाय वन करके मैं सभी टाइप्स के क्वेश्चंस करवाती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इन टाइप्स के क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आते हैं। स्टार्ट करते हैं टाइप वन। ये हैं टाइप वन के क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, If CUP is written as FXS, तो T को कैसे लिखेंगे, TEA को। आपके पास ऑप्शंस गिवन है, तो देखिए CUP FXS, ठीक है। सबसे पहले इनके नंबर्स लिख लेते हैं कि कितने नंबर पर आते हैं ये लेटर सीरीज में। ये थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। ये आपका 21 पे एंड P आपका 16 नंबर पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है F आपका 6 नंबर पे आता है, X आपका 24 और S आपका 19 नंबर पे आता है, ठीक है। अगर आपको ये क्विकली कैसे लर्न करने हैं, सीखना है, तो आप लेटर सीरीज़ की क्लास ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बहुत जल्दी कैसे इनको याद करना है वो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक समझाई थी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये कितने नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपका 3 नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। 21 से 24 पे जा रहे हैं तो भी आपके पास 3 नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी अगर आप देखें तो आपके पास 3 नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब आपने रिकॉग्नाइज कर लेना है कि यहाँ पर सीरीज़ क्या फॉलो की गई है, देन आप रिकॉग्नाइज करके आप इजीली लिख सकते हैं कि अब टी की जगह क्या आएगा, ठीक है। टी की जगह टी 20 नंबर पे होता है, ई आपका 5 नंबर पे, ए आपका फर्स्ट नंबर पे। इट मीन्स अब आपको 3 ऐड करना, दैट इज़ 23, 5 में ऐड करेंगे तो 8 एंड 1 में ऐड करेंगे तो 4, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है 23rd नंबर पे क्या आता है। 23rd नंबर पे क्या आता है, W आपका देखिए ऑप्शन में कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। नेक्स्ट अगर आप देखें 8th नंबर पे आपका क्या आता है, ठीक है, 8th नंबर पे आपका H और आपका 4th नंबर पे आपका D, सो WHD आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, D, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। इट मीन्स आपको पेपर में देखना क्या है, या तो एडिशन में होंगे, जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि एडिट कर करके नंबर नेक्स्ट लिखे हुए हैं, या फिर क्या हो सकता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर की जगह डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंशन हो, या फिर हो सकता है ऑल्टरनेट हो, एक डिक्रीज हो और एक इंक्रीज हो, ठीक है। या फिर क्या हो सकते हैं, इन सब के नंबर्स को ऐड किया गया हो। आगे फर्दर क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए बॉडी को डिनोट किया है APCZ से। नेक्स्ट आपसे पूछा है DELHI, दिल्ली का कोड बता दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो कोड गिवन है वो बॉडी का गिवन है, BODY, और इसका कोड गिवन है APCZ। अब आप देखें यहाँ से B आपका सेकेंड नंबर पे है, ठीक है, यहाँ पे A आपका फर्स्ट नंबर पे है। यहाँ से क्या पता चला कि फर्स्ट ऑर्डर तो आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है O, 15th नंबर पे आता है। नेक्स्ट P आपका 16th नंबर पे आता है, तो यहाँ से +1 हो रहा है, यानी कि फर्स्ट अगर लेटर देखें तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में और सेकेंड लेटर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। नेक्स्ट थर्ड फाइंड आउट करते हैं। थर्ड आपका ये 4th नंबर पे आता है, ठीक है, और C आपका 3rd नंबर पे आता है, तो यहाँ से फिर क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इट मीन्स एक डिक्रीज कर रहा है और नेक्स्ट लेटर इंक्रीज कर रहा है। यहाँ से आपने इजीली अपना कोड रिकॉग्नाइज कर लिया कि एक लेटर इंक्रीज और एक लेटर डिक्रीज। सो अब आपने नेक्स्ट अपना दिल्ली का कोड लिखना है, तो आप क्या करें, इसमें सबसे पहले एक लेटर माइनस, एक लेटर प्लस, एक लेटर माइनस, एक लेटर प्लस और एक लेटर
माइनस। तो इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा, डी में से एक लेटर माइनस करेंगे तो सी, ई में एक लेटर ऐड करेंगे तो एफ, ठीक है, नेक्स्ट के, नेक्स्ट आई, नेक्स्ट एच, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह से आपके पास कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप, ये है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, न्यूज़ को उन्होंने कोड दिया है डब्ल्यू ई एन एस, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है मेट का कोड। अगर आप देखें इन्हीं चार लेटर्स से ये कोड बना है, तो अब आप यहाँ पर सीक्वेंस या फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखने के बजाय आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि एन को उठाकर थर्ड नंबर पे किया है, ई को उठाकर सेकेंड नंबर पे, W फर्स्ट नंबर पे और लास्ट वाला लास्ट में एज इट इज़ है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं एन ई पहले दोनों उठाए और बीच में रिवर्स ऑर्डर पे लिख दिए, तो हम एम ए को उठाएंगे, ए एम लिख देंगे बीच में, लास्ट वाला एज इट इज़ लास्ट पे और टी आपका फर्स्ट, तो आपके पास ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको डिकोड कैसे करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, कैट इज कोडेड एज 24, इधर अल्फ़ाबेट्स हैं और इधर नमारिक नंबर दे दिया आपको कुछ, तो आपसे पूछा है एस ए डी का कोड क्या होगा। तो यहाँ देखिए आप, सी आपके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में कितने नंबर पर आता है, थर्ड, ए आपका फर्स्ट और टी आपका 20। अगर आप देखें इन तीनों डिजिट्स को ऐड कर दिया गया है और यहाँ पर उसका कोड जो है वो बना दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, अपना कोड तैयार कर सकते हैं एज इट इज़। तो आपके पास यहाँ पर भी कोड आपके पास आंसर में आ रहा है 24, तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ आए। अब करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी गिवन हो सकता है, जैसा कि इन्होंने कोड दिया, डिक्शनरी इज कोडेड एज 5479482361, देन यार्ड विल बी कोडेड एज। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप चेक करेंगे कि क्या ये फोर टू फोर लेटर्स जितने भी हैं, ये क्या ये चारों के चारों लेटर्स इनमें आते हैं, ये जो वर्ड आपके पास गिवन है। तो देखें आप, वाई भी यहाँ पर है, ए भी आपका बीच में है, आर भी है, ठीक है, और डी भी है। तो इट मींस ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो इसका कोड गिवन होगा उसमें से उन डिजिट्स के कोड निकाल कर आपको आंसर में लिखना होगा। तो यू कैन राइट वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 1। तो ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 3, ठीक है। आर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 6, एंड डी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 5। सो 1, 3, 6, 5, आपके पास ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इफ़ एबल इज 5, 3, एबल को कोड किया उन्होंने 5, 3, 2, 4, एंड नेक्स्ट आपके पास बिंगो को कोड किया है 3, 6, 1, 7, 8, ठीक है। तो आपसे पूछा है बेंगल का कोड, बेंगल का कोड पूछा है। अगर आप इसमें भी देखें तो इन दोनों जो कोड आपके पास गिवन है, इनमें जितने भी लेटर्स हैं वो लेटर बेंगल में जो है वो इंक्लूड है, ठीक है। सो आप देखें यहाँ से बी का कोड क्या निकल कर आया दोनों साइड से, 3, तो आप बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 3, ए की जगह 5, ठीक है, एन की जगह क्या लिख सकते हैं, 1, नेक्स्ट जी की जगह 7, ठीक है, और एल की जगह 2 एंड ई की जगह 4। सो इससे आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकते हैं कि आपको ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना हो, ना डिक्रीजिंग, ठीक है, ना ही कुछ जैसे लास्ट क्वेश्चंस किए हमने कि एडिशन सब्ट्रैक्शन उसके कोड के अकॉर्डिंग गिवन हो नंबरिंग में। तो इस तरह से भी क्वेश्चन गिवन हो सकते हैं कि डायरेक्ट कोड गिवन हो और आपको डायरेक्ट ही कोड आंसर में फाइंड आउट करना हो। अब करते हैं कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। ये देखिए, ये आपके हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस, जिसमें आपके पास कुछ कोड गिवन होते हैं, जैसे बुक इज़ कोल्ड एज वॉच। इन्होंने ये लिख दिया कि बुक को अगर हम वॉच लिखें, नेक्स्ट वॉच को अगर हम लिखें बैग, बैग को कोड दें डिक्शनरी एंड डिक्शनरी को कोड दें विंडो, तो बुक्स को कैरी करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। नॉर्मली हम बुक्स को कैरी करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बैग, बट बैग को इन्होंने क्या कोड दिया है, बैग को इन्होंने कोड दिया डिक्शनरी, तो आपका आंसर क्या होगा, डिक्शनरी। गलती से भी यहाँ पर बैग मत टिक करके आइएगा, यहाँ क्वेश्चन में जो दिया है वो पैटर्न फॉलो होगा, ना कि आपकी जनरल नॉलेज, अगर जहाँ पे कोड्स गिवन हो, ठीक है। सो यहाँ पर कोड बैग के लिए क्या गिवन था, डिक्शनरी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्शनरी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें उस टाइप का ही नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ वाटर इज कोल्ड एज फूड, फूड इज कोल्ड एज ट्री, ट्री एज स्काई एंड स्काई एज वॉल. मतलब वाटर का कोड क्या गिवन है? फूड. फूड का कोड है ट्री, ट्री का कोड है स्काई एंड स्काई का कोड है वॉल. और बोलता है कि फ्रॉम व्हाट फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड, जो फ्रूट्स है वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं. तो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ट्रीज. यानी कि जो फ्रूट्स जो ग्रो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? ट्रीज पर. तो ट्रीज का कोड क्या है आपके पास? स्काई. तो आंसर क्या हो जाएगा? स्काई, ना कि ट्री. ठीक है, अब करते हैं लास्ट टाइप के क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. थर्ड टाइप के कोड्स कुछ इस तरह के होते हैं. आपके पास 1, 4, 5 का कोड गिवन है, घास हरी थी. अब यहाँ पर 593 का कोड गिवन है, नीली और हरी. बस आप गलती ये मत कीजिएगा एग्ज़ाम में कि कहीं आप सोचें कि जो 1 है वही घास की जगह होगा या 4 आपका हरी की जगह होगा. नहीं, बिल्कुल नहीं. ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि इनके कोड्स क्या होंगे. तो इनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ट्रिक क्या रहती है कि आप कॉमन ढूंढें. ठीक है, अब आप फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में देखें कि कॉमन क्या है. अगर आप इन दोनों लाइंस में देखें तो आपके पास हरी हरी कॉमन है. ठीक है, तो जब हरी और हरी यहाँ पे कॉमन है तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर होगा जो दोनों में होगा. तो अगर आप देखें तो 5 जो है वो दोनों में है और इधर से हरी भी दोनों में है. तो हरी का कोड क्या हो जाएगा आपका? 5. ठीक है, नेक्स्ट आप देखें फर्स्ट और थर्ड में क्या कुछ कॉमन है. हाँ जी, बिल्कुल कॉमन है. ठीक है, अब आप फर्स्ट और थर्ड में देखें तो घास और घास कॉमन है. ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन नंबर ढूंढने की कोशिश कीजिए तो आपके पास 4 और 4 आपके पास कॉमन आ जाएगा. सो घास का कोड क्या होगा? 4. वैसे तो आपके पास क्वेश्चन यही पूछा है कि घास का कोड क्या होगा, तो आपका आंसर 4 होगा, बट मैं आपको कंप्लीट पजल सॉल्व करवा देती हूँ. नेक्स्ट आपके पास इन दोनों में कॉमन देखें तो और. अब आप इन दोनों में कॉमन देखें तो 3, 3, इट मीन्स और का कोड क्या होगा? 3. अब आपके पास एक एक नंबर ही बच गए, तो यानी कि 1 का कोड थी, 9 का कोड आपका नीली और 6 का कोड आपका फूल रहेगा. तो इसमें से किसी भी नंबर का कोड अगर आपसे पूछा हो, किसी भी वर्ड का कोड पूछा हो, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं. अब करते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 658, इसका कोड है सेब मीठे थे, 842 मीठे व रसीले, 513 सेब और संतरे. आपसे कोड पूछा है और का. ठीक है, अब और देखें तीनों में से किस में है? थर्ड नंबर पे है. तो हम थर्ड में से पहले कट करने की कोशिश करते हैं कि किसका कोड इजीली मिल जाएगा. क्या और किसी और दोनों लाइंस में है? नहीं है, तो कॉमन तो है नहीं. तो सबसे पहले कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं कि कुछ कट हो जाए. फर्स्ट में देखिए सेब है, लास्ट में भी सेब है. फर्स्ट और लास्ट में कॉमन है 5 और 5, इट मीन्स सेब का कोड कट गया. अब आपके पास या तो 1 आंसर होगा या 3 आंसर होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, क्या संतरे कहीं है? नहीं है, और भी नहीं है. तो क्या आप इस क्वेश्चन में बता सकते हैं कि 1 कोड और के लिए होगा या 3? नहीं क्लियरली बता सकते. ठीक है, तो आपके पास ना तो ऑप्शन में आंसर 1 रहेगा ना ही 3, या तो इनका ऑप्शन होता 1 और 3, तो आप वो वाला ऑप्शन टिक करके आते. नहीं तो इस क्वेश्चन में अब आपका आंसर क्या टिक होगा? डाटा इज इनअप्रोप्रिएट, कि डाटा कंप्लीट नहीं है. अगर आपके पास ऑप्शन में होता 1 और 3 तो आप इसे टिक करते, क्योंकि आप क्लियरली कोड नहीं बता सकते कि 1 होगा या 3 होगा. ये गलती कभी मत कीजिएगा कि सेकेंड नंबर पर लिखा है तो 1 ही होगा. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन में ये गलती मत करना, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा था. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. आपके पास कोड्स गिवन है मिन फिन बिन गिन, ट्रेन्स आर ऑलवेज लेट. ऐसी करके आपके पास 4 नंबर्स गिवन है, 4 लेटर्स के जो है, सॉरी 4 ग्रुप्स के आपको कोड गिवन है. ठीक है, सो आपसे पूछा है ड्राइवर्स वर लेट, इसका कोड क्या होगा? तो अब आपको करना क्या है, आपको कॉमन निकालते जाना है और अपना आंसर फाइंड आउट करना है. सबसे पहले ड्राइवर्स देखिए कि किन किन ग्रुप ऑफ नंबर्स में जो है वो ड्राइवर गिवन है. आपके सेकेंड ग्रुप में है और थर्ड ग्रुप में है. ठीक है, सो यहाँ से कॉमन निकालने की कोशिश कीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है. इन दोनों में अगर आप सबसे पहले कॉमन देखें तो CIN और CIN आपका कॉमन है, इट मीन्स ड्राइवर का कोड क्या हो जाएगा? CIN. नेक्स्ट अगर आप देखें वर आपका किन किन ग्रुप्स में है, अगर आप देखें तो वर सिर्फ सेकेंड ग्रुप में है. ठीक है, और फर्स्ट ग्रुप में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी वर है और सेकेंड में भी वर है. तो अब आप सेकेंड और फोर्थ में कॉमन ढूंढिए. सेकेंड और फोर्थ में आपका कॉमन है देखिए दिन, DIN,
ठीक है, तो आपके पास वर का कोड क्या हो जाएगा, डी आई एन। नेक्स्ट आपके पास है लेट। लेट आप देखिए इनके ग्रुप्स में से कहाँ पर गिवन है, फर्स्ट में गिवन है और फोर्थ में गिवन है। सो फर्स्ट और फोर्थ में अब आप अपने आप को कॉमन देखिए कि क्या कॉमन गिवन है। अब फर्स्ट और फोर्थ में अगर आप फाइंड आउट करें तो फिन कॉमन है, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, सी आई एन, डी आई एन और एफ आई एन। ऐसा हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हो वो इनके कोड्स आगे पीछे गिवन हो, लाइक एफ आई एन फर्स्ट नंबर पे हो, सी आई एन सेकेंड, डी आई एन थर्ड, बट होने ये तीनों ही चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इनका कोड पहले नंबर पे ही लिखा हो, इसका सेकेंड नंबर पे ही और इसका थर्ड नंबर पे ही, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आपको ऑप्शंस देखकर अपना आंसर जो है वो टिक करना है कि ये तीनों कोड्स किस ऑप्शन में गिवन है। ये थी मेरी आज की क्लास कोडिंग डिकोडिंग पर। होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। आपको मैंने तीनों टाइप्स के क्वेश्चन अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो शेयर कर दीजिए। चाहते हो अगर ग्रुप डी की तैयारी ऐसी ही जारी रहे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।